यूक्रेन जंग में पुतिन के आक्रामक तेवर देखते हुए नेटो ने भी जवाबी कार्रवाई के लिए कमर कस ली। रूस ने आरोप लगाया कि उसकी पश्चिमी सीमा के पास नेटो ने अपनी भारी भरकम फौज तैनात कर दी है, जो किसी भी वक्त अपने घातक हथियारों की मदद से रूस के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए तैयार है। मतलब ये कि दुनिया के सामने तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराता दिख रहा है, क्योंकि पिछले दिनों पुतिन की सेना ने जिस तरह यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, उसके बाद से रूस और नेटो आमने सामने आते दिख रहे हैं। अब तो खुद रूस ने आरोप लगा दिया कि नेटो ने अपनी पूर्वी सीमा के पास 30,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं, जिसे रूस के रक्षा मंत्री सर्गेय शोइगु ने उकसावे वाली कार्रवाई बताया। असल में नेटो को यह आशंका है कि बेलारूस के रास्ते ही रूस का अगला बड़ा हमला होने वाला है, और कहा जा रहा है कि इसीलिए उसने रूस और बेलारूस की सीमा के पास अपनी सेना का जमावना बढ़ाना तेज कर दिया, क्योंकि पुतिन के हजारों सैनिक गोला बारूद और दूसरे हथियारों के साथ पहले ही बेलारूस पहुंच चुके हैं, और यूक्रेन का साथ देने वाला नेटो तो पहले दिन से ही पुतिन के निशाने पर है। इसीलिए उन्होंने पिछले दिनों नेटो को तेवर दिखाने के लिए बेलारूस में पहुंचे अपने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का एक वीडियो भी जारी किया था, और अब तो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ये दावा भी कर चुकी है कि पुतिन ने बेलारूस में परमाणु बम से लैस हाइपरसोनिक मिसाइलें भी तैनात कर दी हैं। दावा है कि रूस ने वहां पहली बार अपनी सबसे खतरनाक किंजल मिसाइल तैनात की है, ताकि नेटो रूस के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। हिमाचल चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रचार का अभियान तेज कर दिया है। आज हिमाचल की कई सीटों पर बीजेपी के नेता रैली करेंगे, जिसमें से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कांगड़ा पहुंचेंगे और मंडी विधानसभा में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज हिमाचल दौरे पर पहुंचेंगे, वो ज्वालामुखी और घुमारवी विधानसभाओं में जनसभा करेंगे। बंगाल में छापेमारी जारी है, ईडी और आईटी की टीम कर रही है छापेमारी। ऐसे 10 अलग अलग इलाके हैं जहां पर छापेमारी चल रही है, और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस एमएलए के आवास पर भी छापा मारा गया है। कुमार जय मंगल सिंह के घर पर छापा मारा गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, झारखंड और पश्चिम बंगाल में अलग अलग इलाकों में इस वक्त छापेमारी चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय और आईटी की टीम ये छापेमारी कर रही है, और इसमें कांग्रेस एमएलए के घर पर भी छापेमारी की गई है, जिसमें आशंका यह है कि ईडी और आईटी टीम के हाथ कुछ अहम सबूत लग सकते हैं। अलग अलग इलाकों में ये छापेमारी सुबह से ही जारी है, और कांग्रेस एमएलए के आवास पर ये छापेमारी जारी है। कुमार जय मंगल सिंह के घर पर छापेमारी की गई है। शंकर आनंद मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। शंकर आनंद, इस छापेमारी से जुड़ी और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, इस वक्त में झारखंड में दो अलग अलग एजेंसी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, जिसमें की एक ईडी और दूसरी एजेंसी है इनकम टैक्स। पहला जो मामला मैं बताना चाहूंगा कि पहला जो सर्च ऑपरेशन है वो ईडी के द्वारा 12 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि राजधानी जिसमें कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर इस मामले की अगर बात करें तो ये आर्मी के जमीन पर किस तरह से अवैध तौर पर कब्जा किया गया, और उसके बाद किस तरह से जमीन माफियाओं और उसके राजनीतिक कनेक्शन का एक मामला सामने आया, लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए ये ईडी के द्वारा सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरह से पिछले कुछ समय पहले अमित अग्रवाल नाम के एक कारोबारी को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, और उससे जब पूछताछ की गई तो उसके बाद इस मामले में जो आर्मी के अवैध तौर पर जो जमीन है, आर्मी की जमीन पर जो अवैध तौर पर कब्जा किया गया, इस मामले पर आज कार्रवाई की जा रही है। सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें की 8 लोकेशन पर रांची में सर्च ऑपरेशन का अंजाम दिया जा रहा है और 4 लोकेशन कोलकाता का है। इसके साथ ही इसमें कांग्रेस एमएलए के घर पर भी छापेमारी जारी है, उनकी क्या भूमिका अभी तक सामने आई है? देखिए, मैं ये आगे बताने वाला था कि जो दूसरी जो सर्च ऑपरेशन है, दूसरा सर्च ऑपरेशन आपका इनकम टैक्स के द्वारा किया जा रहा है। इनकम टैक्स के द्वारा आय से अधिक संपत्ति मामला और उसके साथ साथ टैक्स चोरी का मामला है, तो वो एक अलग मामला है, जिसमें की गोड्डा में और इसके साथ ही फुसरो जो बेरमो फुसरो इलाका है, उस जगह पर एक कांग्रेस के जो विधायक है उसके आवास पर भी इनकम टैक्स की टीम पहुंची है। एक तरफ कहा जा सकता है कि झारखंड में दो अलग अलग मामलों पे दो अलग एजेंसी इस वक्त में कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जिस तरह से गोड्डा की अगर बात करें तो गोड्डा में भी जो प्रदीप यादव है उसके आवास पर इनकम टैक्स की टीम सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पहुंची है, तो वहीं दूसरे तरफ देखा जाए जो दूसरा लोकेशन है
तो वो दूसरा लोकेशन आपका फुसरो है, जो फुसरो जो पूरा कोल इंडिया का काफी चर्चित लोकेशन कहा जाता है, वहां पर भी एक जो विधायक है उनके आवास पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची है और वो जो मामला था पिछले काफी समय से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। मामले हैं शंकर आनंद, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। गुजरात की 182 सीटों पर दो फेज में मतदान होगा और 1 दिसंबर को 89 सीटों पर और 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके नतीजे 8 दिसंबर यानी हिमाचल विधानसभा चुनाव के साथ ही आएंगे। And date of poll would be 1st and 5th. गुजरात विधानसभा का कार्यकाल अगले साल फरवरी में खत्म हो रहा है। इस बीच सांसद प्रज्ञा ठाकुर के प्रस्ताव पर भोपाल में 3 जगहों के नाम बदल दिए गए। इस पर नगर निगम की बैठक में मोहर लगाई गई, जिसके बाद भोपाल में हलालपुरा बस स्टैंड, हलालपुर बस्ती और लाल घाटी चौराहे के नाम बदल गए। जो रक्त रंजित इतिहास है मुगल काल का, वो इतिहास हमें सदैव पीड़ा देता है। हलालपुरा बस स्टैंड को हनुमानगढ़ी और हलालपुर बस्ती को हनुमानगढ़ नाम से जाना जाएगा। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़ी बड़ी खबर, पुंछ सेक्टर में सेना ने एलओसी पर 3 घुसपैठियों को मार गिराया था। उनमें से 2 घुसपैठियों के शवों को पीओके के लोग उठा करके ले गए, जबकि 1 घुसपैठी का शव सेना ने हथियारों के साथ बरामद कर लिया था। बताया गया कि घुसपैठियों के शव पाकिस्तानी सेना की पोस्ट पर पहुंचाए गए हैं। तो पुंछ में सेना ने 3 घुसपैठिए मारे थे, जिसमें से 2 घुसपैठियों के शव पीओके के लोग ले गए। बेलारूस सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के देशों के लिए भी नासूर बन गया है। बेलारूस ही वो देश है जिसके सहारे पुतिन यूक्रेन की जंग बड़े आराम से लड़ रहे हैं। यूक्रेन पर हमले के वक्त बेलारूस ही उनकी सेना के लिए लॉन्च पैड बना था, जबकि अब तो खबर है कि पुतिन ने बेलारूस में ही परमाणु मिसाइलों की तैनाती भी कर दी है, जो कि पश्चिमी देशों के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। बेलारूस से परमाणु मिसाइल दागी गई तो वो कुछ ही मिनटों में यूरोप के देशों समेत ब्रिटेन तक को तबाह कर देगी। इसके साथ ही पुतिन बेलारूस को हथियारों के किसी बड़े गोदाम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां उनकी घातक मिसाइलों के साथ साथ खतरनाक लड़ाकू विमानों की पूरी पलटन तैनात है। रूस के हजारों सैनिक और गोला बारूद बेलारूस पहुंच चुके हैं। खुद बेलारूस ने भी अपने सैनिकों को जंग में उतारने का फैसला कर लिया है। मतलब ये कि अपने दोस्त रूस का साथ देने के लिए बेलारूस ने सारे दरवाजे खोल दिए और माना जा रहा है कि इसी बात से रूस के साथ साथ बेलारूस भी अब अमेरिका के निशाने पर है। वहां की खुफिया एजेंसी KGB ने दावा किया कि अमेरिका के लड़ाकू विमान बेलारूस को बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे हैं और उन्हें बस एक इशारे का इंतजार है, जिसके बाद बेलारूस की जमीन धमाकों से गूंज उठेगी। क्योंकि दावे के मुताबिक बेलारूस पर हमले का काम अमेरिकी सेना की जिस 101st एयरबोर्न डिवीजन को सौंपा गया है, वो हवाई हमले करने में माहिर है। इस डिवीजन में ऐसे ऐसे घातक लड़ाकू विमान हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर सकते हैं। अमेरिका के दावे के मुताबिक उसकी वायुसेना की इस डिवीजन ने अफगानिस्तान में अपने झंडे गाड़े थे और अब उसे ही बेलारूस को बर्बाद करने का काम सौंपा गया है। माना जा रहा है कि अगर KGB प्रमुख के दावे में जरा भी सच्चाई है तो फिर बेलारूस के साथ पुतिन के भी बुरे दिन आने ही वाले हैं, क्योंकि अगर एक बार अमेरिकी सेना इस जंग में उतर गई तो फिर वो पीछे नहीं हटेगी। हालांकि अब तक बाइडेन की फौज सीधे तौर पर इस जंग में शामिल नहीं हुई है, लेकिन बेलारूस की खुफिया एजेंसी के दावे के मुताबिक तो उसकी सेना पर हमला करने जा रही है और ये हमला भले ही बेलारूस पर होगा लेकिन चोट सीधे पुतिन को लगेगी। अमेरिका के इस हमले में पुतिन के हथियारों का भंडार तबाह हो सकता है। आसमान से बरसते बमों से उनके सैकड़ों सैनिकों की मौत हो सकती है। अमेरिकी लड़ाकू विमान उनकी मिसाइलों को उड़ने से पहले ही ध्वस्त कर सकते हैं। वो बेलारूस को वैसे ही तबाह कर सकते हैं जैसे पुतिन ने यूक्रेन को किया और इसके लिए अमेरिकी वायुसेना की 101st एयरबोर्न डिवीजन कभी भी अटैक कर सकती है। दावा किया गया कि इस वक्त ये डिवीजन रोमानिया में तैनात है, लेकिन जब बेलारूस पर हमला किया जाएगा तो ये पोलैंड के रास्ते होगा, जो एक नेटो देश है और शुरू से ही जंग में यूक्रेन के साथ है, और दावा है कि उसी का सहारा लेकर बेलारूस पर बम गिराए जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही बेलारूस की खुफिया एजेंसी ने एक और बड़ा दावा कर दिया और वो ये कि रूस पर परमाणु हमला तय है। KGB ने दावा किया कि पश्चिमी देशों से उस पर परमाणु हमला हो सकता है। बेलारूस की खुफिया एजेंसी ने अपने पास इसका सबूत होने का दावा भी किया। हालांकि बेलारूस के इस दावे को उसकी एक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि वहां तैनात रूस की परमाणु मिसाइल किंजल से दुनिया का ध्यान हटाया जा सके। एक रोज पहले ही ये खबर आई थी कि रूस ने बेलारूस में किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल और उसे ले जाने वाले MiG-31 के फाइटर जेट भी तैनात किए हैं। माना जा रहा है कि इस खबर के सामने आने के बाद ही अमेरिका ने बेलारूस पर हमले का फैसला किया, जिससे वो रूस के मिसाइल दागने से पहले ही उसे नेस्त नाबूद कर सके।
जम्मू कश्मीर से जुड़ी बड़ी खबर, आतंकवादियों ने एक बार फिर से गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया है। इस बार अनंतनाग में दो मजदूरों पर आतंकवादियों ने हमला किया और उन पर गोलियां चलाई। आतंकवादियों के निशाने पर रहे दोनों मजदूरों में से एक बिहार का रहने वाला है जबकि दूसरा नेपाल का निवासी है। हमले में घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रदेश के बैतूल से बड़ी खबर आ रही है, वहां एक बस और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर बस और कार की टक्कर हुई है और 11 लोगों की जान चली गई है। बैतूल में रफ्तार के कहर की वजह से जोरदार टक्कर होती है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और समझिए कि हादसा कितना भीषण था जिसमें एक साथ 11 लोगों की जान चली गई, कई लोगों के घायल होने की खबर है जिनका इलाज अस्पताल में इस वक्त चल रहा है। मनोज मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज, ये हादसा काफी भीषण रहा जिसमें एक साथ 11 लोगों की जान चली गई, जो घायल हैं उनकी स्थिति कैसी है और किसकी गलती की वजह से यह हादसा हुआ? बहुत दुखद घटना है, सुबह 4 बजे की घटना बताई जा रही है। जो घटना है इसकी वजह बताई गई है कि जो एसयूवी है उसके जो ड्राइवर था उसने गलत तरीके से गाड़ी को घुमाया जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। सारे लोग मजदूर थे जिसमें 5 पुरुष 4 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं जो मृतकों में, और जब गलत तरीके से गाड़ी घुमाई गई तो ये मजदूर जो कि अपने गाँव लौट रहे थे जिसकी और इसके बाद जो गाड़ी है वो पूरी तरह से अनियंत्रित होकर बस से जाकर टकरा गई और सीधा हेड ऑन जिसे कहते हैं कि आमने सामने से बस से टकराने की वजह से ही हादसा इतना खतरनाक हुआ और 11 लोगों की मौत हुई। जो जिस तरह से लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अभी हालत उनकी खतरे से बाहर बताई गई है। मिलने के लिए जो इलाके जिले के कलेक्टर हैं वो जल्लार थाना है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और उससे थोड़ी दूरी पर पतवारा जो मार्ग है वहाँ पर ही हादसा हुआ है। फिलहाल जो पुलिस और प्रशासन वहाँ पर पहुँचा हुआ है और राहत के काम चलाए जा रहे हैं। ठीक है मनोज, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समन्स के बाद भी पूछताछ में शामिल नहीं हुए। अवैध खनन मामले में उन्हें समन्स जारी किए गए थे लेकिन खबर है कि उन्हें छत्तीसगढ़ के रायपुर जाना था इसीलिए वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंच सके। मुख्यमंत्री सोरेन को ईडी के समन्स मिलने से उनके पार्टी के कई विधायक नाराज हो गए और 5 नवंबर को विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब के 2 बड़े सिंगर से पूछताछ हुई, उनसे ये पूछताछ एनआईए ने की और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन के आरोपों पर सवाल पूछे। जिन पंजाबी गायकों से पूछताछ हुई उनमें दरप्रीत ढिल्लों और मनकीरत औलख शामिल हैं। जरूरत पड़ने पर दोनों को फिर एनआईए तलब कर सकती है। ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से फाइन क्वालिटी की कोकीन और हेरोइन भी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक तीनों पिछले 7 सालों से दिल्ली एनसीआर में ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे। स्पेशल सेल की माने तो बरामद की गई ड्रग्स को लैटिन अमेरिका से अफ्रीका और फिर अफ्रीका के रास्ते भारत लाया जाता था। पीटीआई ने कई और लोगों पर भी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हमला करवाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। ये रैली वजीराबाद में हुई जहां फायरिंग में इमरान खान घायल हो गए। इस घटना में 1 आदमी की मौत हो गई, 6 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इमरान पर यह हमला तब हुआ जब वो आजादी मार्च के दौरान एक ट्रक पर खड़े थे, तभी घात लगाए हमलावरों ने उनके ट्रक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। रैली में अचानक गोली चलने से वहां भगदड़ मच गई। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक हमलावर हाथ में हथियार लहराता दिखा। इस दौरान वहां मौजूद एक आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करता नजर आया लेकिन हमलावर वहां से भागने लगा। हालांकि बाद में लोगों ने उसे पकड़ लिया और फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि फायरिंग में इमरान खान के पैर में गोली लगी जिसके बाद उन्हें फौरन एक गाड़ी से अस्पताल ले जाया गया। इमरान खान की जान पे हमला, पाकिस्तान की सलामती पे हमला है। दावा किया जा रहा है कि इमरान पर 2 लोगों ने फायरिंग की थी, एक AK-47 राइफल से लैस था जबकि दूसरे ने पिस्तौल ले रखी थी। ये खबर भी सामने आई कि लोगों ने एक हमलावर को मौत के घाट उतार दिया जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रयागराज में नैनी इलाके में साड़ी की दुकान में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। धुएं की वजह से आग बुझाने में आ रही दिक्कत, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका बताई जा रही है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर
साड़ी की दुकान में आग लगी है और शुरुआती जानकारी ये मिली है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, आग बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। प्रयागराज के नैनी इलाके में ये साड़ी की दुकान थी जिसमें अचानक से आग लग जाती है और इस वक्त लोग भी काफी तादाद में वहां पर मौजूद हैं। इस वक्त प्राथमिकता यही है कि आग पर काबू पाया जाए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, धुएं का गुबार देखा जा सकता है, आग बाकी दुकानों में ना फैले इसकी कोशिश फायर ब्रिगेड की तरफ से की गई है। कई टीमें वहां पर मौजूद है, प्रशासनिक अमला भी पहुंचा हुआ है, लेकिन यहां पर से जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भीषण आग लगी है, साड़ी की दुकान बताई जा रही है। और जिस वक्त ये आग लगी, क्योंकि उस वक्त लोग ज्यादा मौजूद नहीं थे, सुबह का वक्त था, लेकिन फिर भी अभी कोशिश ये है कि जब आग पूरी तरीके से बुझ जाएगी उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। यूपी के नोएडा में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, प्रदूषण की वजह से स्कूल बंद किए गए हैं। नोएडा में 8 नवंबर तक स्कूल बंद किए गए हैं। नोएडा में 8वीं तक केवल ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो प्रदूषण की वजह से स्कूल बंद किए गए हैं और लगातार जो AQI का लेवल है वो खतरनाक श्रेणी में है। अब नोएडा की हवा में जहर घुला हुआ है जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया है। और ऐसे में जब प्रदूषण इतना खतरनाक स्तर पर है तो कई तरह की परेशानियां भी हो रही है, खासकर बच्चों को। इसी वजह से प्रशासन ने फैसला किया है कि 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे 8 नवंबर तक। खबर है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने एक बार फिर खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। जापान का आरोप है कि यह मिसाइल उसकी हवाई सीमा से होते हुए प्रशांत महासागर में गिरी। और किम के बैलिस्टिक मिसाइल दागते ही जापान में खतरे का सायरन बज उठा। उत्तर कोरिया की ओर से मिसाइल दागे जाने की भनक लगते ही जापान की सरकार ने आनन फानन में पूरे देश में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। लोगों को घरों में ही रहने की चेतावनी दे दी गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखा। जापान ने दावा किया कि एक दिन पहले भी उत्तर कोरिया ने 20 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। उनमें भी 2 मिसाइल जापान के ऊपर से होते हुए प्रशांत महासागर में गिरी थी। अमेरिका और अपने दूसरे दुश्मनों को तेवर दिखाने के लिए किम पहले भी मिसाइल टेस्ट करते रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये पहला मौका है जब उन्होंने 24 घंटों के अंदर 20 से ज्यादा घातक मिसाइलें दागी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सड़क किनारे और नालियों पर बने अवैध निर्माण को नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। इस बीच दुकानदारों ने नगर निगम की कार्रवाई का पुरजोर विरोध भी किया। बताया गया कि सड़क पर अवैध कब्जे की वजह से लोगों को जाम से 2-4 होना पड़ता था। दुकानदारों को जगह खाली करने के लिए नोटिस भी दिया जा चुका था, इसके बावजूद उन्होंने जगह खाली नहीं की, जिसके बाद नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर उन्हें हटा दिया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में डेंगू के मुद्दे पर बीजेपी युवा मोर्चा ने बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। जो वीडियो सामने आया उसमें बीजेपी कार्यकर्ता हाथ में मच्छरदानी और बैनर पोस्टर लेकर नगर निगम का घेराव करने के लिए आगे बढ़ते दिखाई दिए। इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात थे, जो प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन उन लोगों ने उनकी एक न सुनी और बीच सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची पुलिस और उनके बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। फिर तो उन्होंने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने में जरा देरी नहीं की, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता टस से मस नहीं हुए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया और एक एक कर प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस की गाड़ी में भरने लगे। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन ममता सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। बेंजामिन नेतन्याहू की जीत के बाद गाजा के लड़ाकों ने इसराइल पर रॉकेट दाग दिए, जिसका दावा इसराइल की सेना ने किया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू जिनकी पार्टी ने जीत हासिल की है और जीत के बाद गाजा के लड़ाकों ने इसराइल पर रॉकेट दागे हैं, जिसका दावा इसराइल की सेना की तरफ से किया गया है कि गाजा ने रॉकेट दागे हैं और सेना ने इस बात की जानकारी भी दी है। कुर्द लड़ाकों के पीछे पड़ा तुर्की एक बार फिर उत्तरी इराक में घुस गया और उसके लड़ाकू विमानों ने वहां बम बरसाए। इराक इस बात से तुर्की से नाराज है क्योंकि उसका कहना है कि तुर्की के हमलों में आम लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन तुर्की ने उसकी एक नहीं सुनी और एक बार फिर बेधड़क होकर उत्तरी इराक में एयर स्ट्राइक कर डाली। पिछले कुछ महीनों से तुर्की के लड़ाकू विमान इस तरह इराक में घुस जाते हैं मानो अपने देश के किसी हिस्से में जा रहे हों। वो वहां जाते हैं, बम गिराते हैं, धमाके करते हैं और लौट आते हैं।
यही नहीं, तुर्की की सरकार ने अपने इस कारनामे के वीडियो भी जारी किए और खुद बताया कि एयर स्ट्राइक कब और कैसे हुई। पिछले दो हफ्ते से तो तुर्की की एयर स्ट्राइक की संख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, और ये सब इसलिए क्योंकि तुर्की कुर्द लड़ाकों के पीछे हाथ धोकर पड़ा है और उन्हें उस हर हिस्से से खत्म करना चाहता है जहां उनका ठिकाना है। खबर है कि तुर्की ने इस बार उत्तरी इराक के कानीमासी इलाके में कुर्द लड़ाकों के कई ठिकानों पर बम बरसाया और उन्हें तबाह किया। इसके अलावा इराक के मीडिया ने दावा किया कि तुर्की ने इराक के सिंजर कस्बे पर ड्रोन अटैक किया। इराक ने इससे पहले तुर्की पर उत्तरी इराक में केमिकल बम गिराने का आरोप लगाया था और दावा किया था कि केमिकल बम की वजह से इराक के कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी और कई को सांस की बीमारी हो गई, क्योंकि कुर्द लड़ाकों को मारने के जुनून में तुर्की ने यह ध्यान ही नहीं दिया कि वो मासूम लोगों की जान भी ले रहा है। इराक इसी वजह से तुर्की पर भड़का हुआ है और उसे एयर स्ट्राइक करने से रोकना चाहता है, लेकिन तुर्की कुर्दों के हर उस ठिकाने को उड़ा रहा है जहां से वो तुर्की के लिए खतरा बन सकते हैं। अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए तुर्की ने अपने पूर्वी हिस्से में भी ऑपरेशन चलाया और कुर्द लड़ाकों को मारने के लिए 500 से ज्यादा जवान भेज दिए, क्योंकि तुर्की के पूर्वी हिस्से की दर्सिम वैली में अच्छी खासी कुर्द आबादी है। यही नहीं, खबर है कि उसने उत्तरी इराक समेत सीरिया में भी अटैक करने का प्लान बनाया है, क्योंकि तुर्की उन्हें खत्म करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता। कुर्द समुदाय के लोग अपना एक अलग देश कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं और सीरिया, तुर्की, इराक और ईरान में इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि इन देशों में वो अपनी पहचान के मोहताज हैं और भेदभाव झेल रहे हैं। जानकार बताते हैं कि कुर्द समुदाय का सबसे बुरा हाल तुर्की में है, जहां उन्हें पहाड़ी तुर्क भी कहा जाता है और उन पर अपनी परंपरा मानने और भाषा बोलने पर पाबंदी है। यह हाल तब है जब कुर्द समुदाय वहां का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसकी आबादी तुर्की में करीब 20% है, जबकि इराक में 15-20%, ईरान में 10%, सीरिया में 9% कुर्द आबादी है। और इसीलिए तुर्की इन देशों में घुसकर कुर्द लड़ाकों को मारने की प्लानिंग कर रहा है। तुर्की में 1984 में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने हथियार उठाए थे और वहां की सरकार गिराने की कोशिश की थी, जिसके बाद तुर्की ने कुर्द लड़ाकों को आतंकवादी कहना शुरू कर दिया और उन्हें मारने के लिए कभी एयर स्ट्राइक की तो कभी ड्रोन अटैक किया। यूक्रेन जंग के बीच तो उसने कुर्द लड़ाकों के सफाए का मिशन तेज ही कर दिया है, क्योंकि खबर है कि तुर्की ने यूरोप को ब्लैकमेल किया और उससे कहा कि अगर वो स्वीडन और फिनलैंड को नेटो का हिस्सा बनाना चाहता है तो कुर्दों के मुद्दे पर चुप रहे। मतलब तुर्की खुलेआम कुर्दों को मारेगा और यूरोप आंखों देखी मक्खी निकलेगा, क्योंकि नेटो में शामिल तुर्की का एक वोट स्वीडन और फिनलैंड को उसका हिस्सा बनने से रोक सकता है। और इसीलिए तुर्की ने मौके पर चौका मारा और यूक्रेन जंग के बीच कुर्द लड़ाकों को मारना शुरू कर दिया। वो अलग बात है कि उसकी इस हरकत ने तुर्की और इराक के बीच खटास पैदा कर दी, क्योंकि इराक नहीं चाहता कि तुर्की कुर्द लड़ाकों के खात्मे के नाम पर एयर स्ट्राइक करे और उसके नागरिक मारे जाएं। उसने तुर्की से मांग की कि वो तुरंत अपने सैनिकों को उसकी सीमा से निकाले, लेकिन तुर्की का जैसा मिजाज है उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो इराक की कोई बात सुनेगा, क्योंकि अगर वो कुर्द लड़ाकों को मारने के लिए नेटो को ब्लैकमेल कर सकता है तो इराक क्या चीज है। इधर इसराइल में एक बार फिर बेंजामिन नेतन्याहू सरकार बनाने जा रहे हैं। आम चुनाव के जो नतीजे सामने आए जिसमें मौजूदा पीएम को करारी हार का सामना करना पड़ा और नेतन्याहू की दोबारा पीएम बनने का रास्ता साफ हो गया। वो पांचवी बार पीएम पद की कुर्सी संभालेंगे। उनकी जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी। इसराइल आम चुनाव के नतीजों में नेतन्याहू की पार्टी को 120 में 64 सीटें मिली, जबकि जीत के लिए 61 सीटों की जरूरत थी। 30 सालों में ऐसा पहली बार होगा कि वहां की संसद में अल्पसंख्यक जूज धर्म का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। नेतन्याहू इसराइल के सर्वाधिक समय तक पीएम रहे हैं। उन्हें पिछले साल सत्ता से हटना पड़ा था। पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही पराली से दिल्ली NCR बेहाल है। राजधानी में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है, जिससे निजात दिलाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कई सिफारिशें की, जिसके तहत राजधानी में रहने वाले लोगों को दमघोटू हवा से बचाने के लिए दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई, जबकि आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहनों की एंट्री जारी रहेगी। CAQM ने सरकार को एक बार फिर ऑड इवन लागू करने का सुझाव दिया है। वहीं राज्य सरकारें चाहे तो दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम भी लागू कर सकती हैं, जिससे दिल्ली NCR की हवा में बढ़ते जहर को रोका जा सके, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में किसान सख्ती के बावजूद पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसका असर अंतरिक्ष से भी दिखाई दे रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने कुछ तस्वीरें जारी की जिनमें कई लाल निशान दिखाई दिए। बताया गया कि ये पंजाब और हरियाणा में पराली जलाए जाने के बाद के हालात की है।
दिल्ली में प्रदूषण की मार से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग कुछ सुझाव पेश किया है, जिसमें दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ग्रैप स्टेज 4 लागू हो चुका है, जिसके तहत अब दिल्ली एनसीआर में डीजल वाले वाहन नहीं चलेंगे। बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की 4th स्टेज लागू कर दी गई है। दिल्ली में ऑड इवन लागू किया जा सकता है, इसका मतलब एक दिन ऑड नंबर तो दूसरे दिन इवन नंबर की गाड़ी बाहर निकलेगी। हाईवे से लेकर फ्लाईओवर, पावर ट्रांसमिशन और पाइपलाइन का काम बंद किया जा सकता है। राज्य सरकारें सिर्फ 50% कर्मचारियों के दफ्तर बुलाने का आदेश भी दे सकती है। वहीं नोएडा में प्रशासन ने स्कूल 8वीं तक के बंद करने का आदेश दिया है, जबकि स्कूल ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो पराली जलाने की घटनाएं थम नहीं है। पंजाब के कई जिलों में किसान बेखौफ पराली जला रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 3 नवंबर को 2,666 खेतों में पराली जलाई गई, जिसके बाद पराली जलाने के मामलों की संख्या 24,000 के पार जा पहुंची। पराली जलाने के मामले पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा है। हरियाणा में सिर्फ 128 जगह ही किसानों ने पराली जलाई है। लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलटों की कमी हो गई है, ये दावा वहां के रक्षा मंत्री ने किया और जानकारी दी कि वहां F-35 लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलटों की किल्लत हो गई है। कुछ दिन पहले ही चीन पर आरोप लगा था कि वो ब्रिटेन के पायलट अपने यहां बुला रहा है। और ब्रिटेन के पायलट चीन के लड़ाकू विमान उड़ाने वाले हैं। यही नहीं, खबर आई कि उन्होंने चीन के सैनिकों को भी ट्रेनिंग दी। और इसी बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि ब्रिटेन को उसके F-35 लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए पायलटों की जरूरत है, जिनकी संख्या एक दो नहीं बल्कि 20 है। F-35 पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसमें सिंगल सीट होती है और ये स्टेल्थ तकनीक से लैस होता है। बड़ी बात यह है कि इसे उड़ाने वाले पायलट को 8 साल की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन अपने पायलट को F-35 की ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बना रहा, लेकिन जानकार मानते हैं कि ब्रिटेन को इस परेशानी में चीन ने डाला है, क्योंकि वो ब्रिटेन के पायलटों को मोटी रकम देकर अपने यहाँ नौकरी दे रहा है, या यूं कहें कि खुलेआम ब्रिटेन के कुछ पायलटों को चुरा रहा है। उधर मध्य प्रदेश के गुना में मिशनरी स्कूल में जमकर बवाल हुआ। आरोपी के स्कूल टीचर बच्चे को भारत माता की जय बोलने पर उसे डांटा, और न सिर्फ डांटा बल्कि क्लास के बाहर उसे फर्श पर बैठने की सजा दी। बच्चों को दी गई सजा का पता जैसे ही उनके घर वालों को चला, वो स्कूल में पहुंच गए और देखते ही देखते हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा बढ़ता देख हिंदुवादी संगठन भी सड़क पर उतर आए और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। हंगामा बढ़ा तो स्कूल प्रशासन सफाई देता दिखा। पहले तो स्कूल प्रबंधन ने किसी भी तरह की घटना होने से इनकार किया, उसके बाद बच्चे को 2 घंटे क्लास के बाहर जमीन पर बैठाने की बात को कबूल किया। कल बच्चे को 4 घंटे बिठाया, क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, 2 घंटे नीचे बिठाया है। उधर पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने संज्ञान लिया और कलेक्टर को जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर को मैंने निर्देशित किया है कि हर स्कूल में प्रेयर के बाद, प्रार्थना के बाद भारत माता की जय बच्चों से बुलवाना ही कंपलसरी है। गुना से भोपाल तक मचे हंगामे के बाद स्कूल के बाहर का बवाल शांत हो गया, लेकिन अभिभावक अभी भी आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में पीएम मोदी सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने CVC के नए शिकायत पोर्टल का उद्घाटन किया और साथ ही प्रधानमंत्री ने आयोग की समाचार पत्रिकाओं का विमोचन भी किया। CVC पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए CVC हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित करता है। ये 31 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जो 6 नवंबर तक मनाया जाएगा, जिसकी थीम एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत है। उधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुरभट्टा थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। बदमाश के 4 और साथी गन्ने के खेत में घुसकर फरार हो गए। गिरफ्तार बदमाश गुरदीप सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत 4 केस दर्ज हैं। गुरदीप के पास से पुलिस को तमंचा भी मिला है। पुलिस पार्टी पर फायर किया, इन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया, इन्होंने फिर फायर किया तो पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर पे गोली लगी है और जिसको प्राथमिक उपचार के लिए सितारगंज ले जाया गया था और उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। और बाकी इनके साथ जो कुछ बदमाश थे जो और अंधेरे का फायदा उठा करके भागे, उनकी चेकिंग के लिए कॉम्बिंग अभियान चलाया जा रहा है। खबर है कि चीन ताइवान पर साइबर अटैक का प्लान बना रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही है अमेरिका का ताइवान के साथ होना, क्योंकि चीन को लग रहा है कि अगर हथियारों से जंग हुई तो अमेरिका ताइवान का साथ देगा। और जंग के दौरान ताइवान को कभी हथियारों की कमी नहीं होगी। चीन ने यूक्रेन का हाल देखा है और जान चुका है कि अमेरिकी हथियार ताइवान को यूक्रेन की तरह ताकत देंगे, जिनकी मदद से वो चीन के सामने खड़ा रहेगा।
और इसीलिए उसने अपना प्लान बदल दिया है, क्योंकि खबर है कि अब तक ताइवान को अपने हथियारों से डराने वाले चीन ने उस पर साइबर अटैक का प्लान बनाया है। मतलब एक ऐसा हमला जिससे ताइवान का खुफिया डेटा, कंपनियों की वेबसाइट और दूसरे सिस्टम हैक हो जाएंगे और ताइवान का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम बैठ जाएगा, जो ताइवान के लिए जंग के मैदान में मिली हार से कम नहीं होगा। चीन वैसे ही पीठ पीछे वार करने के लिए जाना जाता है और ताइवान पर साइबर अटैक करके वो कुछ नया नहीं करेगा, क्योंकि पीठ पीछे हमला करना चीन की फितरत है। वो अलग बात है कि अगस्त में साउथ चाइना सी में की गई उसकी ड्रिल देखकर लगा था कि वो ताइवान पर सामने से वार करेगा, लेकिन चीन ने केवल माहौल बनाया, किया कुछ नहीं, जिसकी एक बड़ी वजह अमेरिका को माना जा रहा है। क्योंकि कुछ महीने पहले खबर आई थी कि अमेरिका ताइवान में हथियारों का कारखाना बना रहा है और उसे ऐसे ऐसे हथियार दे रहा है जिनके आगे आने से चीन भी घबराए। यानी अमेरिका चाहता है कि ताइवान के पास इतने हथियार हों कि उसे किसी और की जरूरत ही न पड़े और वो अकेला ही चीन से भिड़ सके। अमेरिका की ये रणनीति चीन को पता है, क्योंकि बाइडेन ने खुलेआम जताया कि वो ताइवान के साथ है और यही बात चीन की नई चाल की वजह बनी, क्योंकि ताइवान के इर्द गिर्द मिसाइलें गिराने वाला चीन अब साइबर अटैक की प्लानिंग कर रहा है। यानी तकनीक में अव्वल ताइवान के कम्युनिकेशन सिस्टम को ध्वस्त करने के बारे में सोच रहा है। यही नहीं, चीन के मंत्रियों के भी सुर बदल गए हैं। वो वन चाइना पॉलिसी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ताइवान को चीन में मिलाने की तारीख नहीं बता रहे। वैसे चीन से जंग लड़ने के लिए ताइवान को चढ़ाने वाला अमेरिका ही है, जिससे इन दिनों ताइवान नाराज है, क्योंकि उसका आरोप है कि अमेरिका ने उसे खराब हथियार दिए। यानी ताइवान का सबसे बड़ा मददगार भी बदल चुका है, लेकिन ताइवान को जंग के लिए उकसाने के बाद, क्योंकि बाइडेन के दम पर ही ताइवान ने बड़ी बड़ी बातें की थी। बेलारूस सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के देशों के लिए भी नासूर बन गया है। बेलारूस ही वो देश है जिसके सहारे पुतिन यूक्रेन की जंग बड़े आराम से लड़ रहे हैं। यूक्रेन पर हमले के वक्त बेलारूस ही उनकी सेना के लिए लॉन्च पैड बना था, जबकि अब तो खबर है कि पुतिन ने बेलारूस में ही परमाणु मिसाइलों की तैनाती भी कर दी है, जो कि पश्चिमी देशों के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। बेलारूस से परमाणु मिसाइल दागी गई तो वो कुछ ही मिनटों में यूरोप के देशों समेत ब्रिटेन तक को तबाह कर देगी। इसके साथ ही पुतिन बेलारूस को हथियारों के किसी बड़े गोदाम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां उनकी घातक मिसाइलों के साथ साथ खतरनाक लड़ाकू विमानों की पूरी पलटन तैनात है। रूस के हजारों सैनिक और गोला बारूद बेलारूस पहुंच चुके हैं। खुद बेलारूस ने भी अपने सैनिकों को जंग में उतारने का फैसला कर लिया है। मतलब ये कि अपने दोस्त रूस का साथ देने के लिए बेलारूस ने सारे दरवाजे खोल दिए और माना जा रहा है कि इसी बात से रूस के साथ साथ बेलारूस भी अब अमेरिका के निशाने पर है। वहां की खुफिया एजेंसी केजीबी ने दावा किया कि अमेरिका के लड़ाकू विमान बेलारूस को बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे हैं और उन्हें बस एक इशारे का इंतजार है, जिसके बाद बेलारूस की जमीन धमाकों से गूंज उठेगी। क्योंकि दावे के मुताबिक बेलारूस पर हमले का काम अमेरिकी सेना की जिस 101st एयरबोर्न डिवीजन को सौंपा गया है, वो हवाई हमले करने में माहिर है। इस डिवीजन में ऐसे ऐसे घातक लड़ाकू विमान हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर सकते हैं। अमेरिका के दावे के मुताबिक उसकी वायुसेना की इस डिवीजन ने अफगानिस्तान में अपने झंडे गाड़े थे और अब उसे ही बेलारूस को बर्बाद करने का काम सौंपा गया है। माना जा रहा है कि अगर केजीबी प्रमुख के दावे में जरा भी सच्चाई है तो फिर बेलारूस के साथ पुतिन के भी बुरे दिन आने ही वाले हैं, क्योंकि अगर एक बार अमेरिकी सेना इस जंग में उतर गई तो फिर वो पीछे नहीं हटेगी। हालांकि अब तक बाइडेन की फौज सीधे तौर पर इस जंग में शामिल नहीं हुई है, लेकिन बेलारूस की खुफिया एजेंसी के दावे के मुताबिक तो उसकी सेना पर हमला करने जा रही है और यह हमला भले ही बेलारूस पर होगा लेकिन चोट सीधे पुतिन को लगेगी। अमेरिका के इस हमले में पुतिन के हथियारों का भंडार तबाह हो सकता है। आसमान से बरसते बमों से उनके सैकड़ों सैनिकों की मौत हो सकती है। अमेरिकी लड़ाकू विमान उनकी मिसाइलों को उड़ने से पहले ही ध्वस्त कर सकते हैं। वो बेलारूस को वैसे ही तबाह कर सकते हैं जैसे पुतिन ने यूक्रेन को किया और इसके लिए अमेरिकी वायुसेना की 101st एयरबोर्न डिवीजन कभी भी अटैक कर सकती है। दावा किया गया कि इस वक्त ये डिवीजन रोमानिया में तैनात है, लेकिन जब बेलारूस पर हमला किया जाएगा तो ये पोलैंड के रास्ते होगा, जो एक नेटो देश है और शुरू से ही जंग में यूक्रेन के साथ है, और दावा है कि उसी का सहारा लेकर बेलारूस पर बम गिराए जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही बेलारूस की खुफिया एजेंसी ने एक और बड़ा दावा कर दिया और वो ये कि रूस पर परमाणु हमला तय है। केजीबी ने दावा किया कि पश्चिमी देशों से उस पर परमाणु हमला हो सकता है। बेलारूस की खुफिया एजेंसी ने अपने पास इसका सबूत होने का दावा भी किया। हालांकि बेलारूस के इस दावे को उसकी एक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि वहां तैनात रूस की परमाणु मिसाइल किंजल से दुनिया का ध्यान हटाया जा सके। एक रोज पहले ही ये खबर आई थी कि रूस ने बेलारूस में किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल और उसे ले जाने वाले MiG-31 के फाइटर जेट भी तैनात किए हैं। माना जा रहा है कि इस खबर के सामने आने के बाद ही अमेरिका ने बेलारूस पर हमले का फैसला किया, जिससे वो रूस के मिसाइल दागने से पहले ही उसे नेस्तनाबूद कर सके।
पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि दक्षिण कोरिया के साथ यूरोप के देशों के हथियारों की डील पर अमेरिका बुरी तरह परेशान हो गया। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण होती जा रही जंग से यूरोप बुरी तरह दहला हुआ है। वहां के देशों में अपनी सुरक्षा के लिए हथियार खरीदने की होड़ मची है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि पुतिन कहीं उनका हाल भी यूक्रेन की तरह न कर दें, रूस की मिसाइलें कहीं उनकी तरफ न मुड़ जाएं। यूरोप के देशों को आशंका है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि यूक्रेन की जंग के बीच पुतिन उनके साथ भी युद्ध का मोर्चा खोल दें और फिर उन्हें अपनी जान बचाना भारी पड़ जाए। दावा किया गया कि यूक्रेन की मदद करने वाले यूरोप के कई देशों की हालत खुद पतली हो गई है और उनके हथियारों का जखीरा खाली होता जा रहा है। वो रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन को लगातार हथियार भेज रहे हैं, लेकिन इससे उनकी खुद की सुरक्षा दांव पर लग गई है और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अब वो दक्षिण कोरिया का रुख कर रहे हैं। और दावा है कि इसी बात ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि पुतिन की परमाणु धमकियों के बाद यूरोप के देश अमेरिका से ही बड़ी संख्या में हथियार खरीद रहे थे। साथ ही अमेरिका उन्हें यह भरोसा भी दिला रहा था कि जरूरत पड़ने पर वो उनकी हर तरह से मदद करेगा। यानी अगर यूरोप के देशों पर पुतिन ने हमला किया तो अमेरिका ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि माना जाता है कि पुतिन को रोक पाना अगर किसी के बूते की बात है तो वो अमेरिका ही है। यूक्रेन पर हमला होने के बाद पुतिन के सामने अमेरिका ही डटकर खड़ा रहा। उसने साफ कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेगा। माना जा रहा है कि इसी वजह से यूरोप के देश खतरनाक लड़ाकू विमानों से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक पाने के लिए अमेरिका की तरफ देखने लगे, जिसके बाद कुछ रोज पहले ही खबर आई थी कि ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक ने अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान की बड़ी डील की, जबकि बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, इटली और पोलैंड समेत कई देश पहले ही ये लड़ाकू विमान खरीद चुके हैं। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि हथियारों के लिए यूरोप के देशों ने अमेरिका से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है और अब अमेरिका का एक दोस्त दक्षिण कोरिया ही डिफेंस डील के लिए उनका नया ठिकाना बन गया है, जहां से वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम समेत कई घातक हथियार खरीद रहे हैं। और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि यूरोप के देशों को अमेरिकी हथियार महंगे पड़ रहे हैं, जबकि दक्षिण कोरिया वैसे ही हथियार उन्हें सस्ते में दे रहा है। इतना ही नहीं, दावा है कि यूरोप के देश अमेरिका की लेट लतीफी से भी परेशान है। कहा जा रहा है कि वो डील तो कर लेता है लेकिन हथियारों की सप्लाई में महीनों लगा देता है, जबकि दक्षिण कोरिया उसके मुकाबले यूरोप के देशों को तेजी से हथियार सप्लाई कर रहा है। खबर के मुताबिक पोलैंड ने दक्षिण कोरिया से अक्टूबर में हथियारों की एक बड़ी डील की थी, जिसमें उसने 300 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर खरीदे थे। इससे पहले पोलैंड ने जुलाई में 980 K2 ब्लैक पैंथर टैंक, 672 तोपें और 48 FA-50 लड़ाकू विमान दक्षिण कोरिया से खरीदे थे। और दावा किया गया कि दक्षिण कोरिया इस साल के अंत तक ये सारे हथियार पोलैंड को सप्लाई भी कर देगा। दावा है कि इसी बात ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। वहां की हथियार कंपनियां इस बात की आशंका जता रही हैं कि यूरोप के दूसरे कई देश भी हथियारों के लिए दक्षिण कोरिया पहुंच सकते हैं, जिन्हें रूस की मिसाइलों के हमले का डर सता रहा है और वो अपने हथियारों के गोदाम भर देना चाहते हैं। हालांकि इस डील में यूरोप के देशों का भला तो हो रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि इससे दक्षिण कोरिया और अमेरिका की दोस्ती पर असर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका उत्तर कोरिया के खिलाफ दक्षिण कोरिया के साथ खड़ा है। किम को चेतावनी देने के लिए दोनों देशों की सेनाएं आए दिन मिलिट्री ड्रिल करती हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में ही अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टॉर्म नाम की एक मिलिट्री ड्रिल की, जिसमें 240 लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। यानी उत्तर कोरिया को जवाब देने के लिए दोनों देश एक साथ हैं, लेकिन जिस तरह से यूरोप हथियारों के लिए दक्षिण कोरिया की तरफ बढ़ रहा है, माना जा रहा है कि अमेरिका से उसके रिश्तों में तल्खी आ सकती है। उधर कर्नाटक में उस